नमस्कार, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमली स्पीक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कई बार अपने जब छोड़ के चले जाते हैं तो व्यक्ति का माइंडसेट थोड़ा सा हिल जाता है, और यहाँ तो अखिलेश यादव का पूरा कुनबा ही बिखर गया है। जाहिर सी बात है, वो इस समय काफ़ी अपसेट है, और इसी अपसेट की स्थिति में वो कई ऐसी कहना चाहिए हरकतें कर रहे हैं जो उनके अपने लोगों को पसंद नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर के उनके सहयोगी दलों और नेताओं में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। खबरें बार बार पढ़ने को मिल रही हैं, ट्वीट्स पढ़ने को मिल रहे हैं, और चाचा शिवपाल तो पहले से ही नाराज थे और ये सार्वजनिक मंच पर अब दिखने भी लगा है। पिछले दिनों से ही सपा के सहयोगी महान दल ने खुद को गठबंधन से अलग कर लिया, और इसके बाद सपा के दो सहयोगी सुभा सपा और अपना दल उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। अब अखिलेश यादव की तरफ से आई एक चिट्ठी ने आग में घी का काम कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर को खुली चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। इसमें दोनों को गठबंधन छोड़ने के लिए साफ साफ संकेत दिए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर और अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के जरिए मैसेज दिया, एक संदेश दिया कि उन्हें जहां भी सम्मान मिले वो जा सकते हैं, उन्हें इसके लिए कोई रोकेगा नहीं। इस पर पलटवार भी हुआ है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। उन्होंने कहा है कि उन्हें तलाक कबूल है। समाजवादी पार्टी के साथ तलाक के बाद अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव अपनी भाभी और चाचा को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो मुझे कैसे संभालेंगे। और राजभर ने मीडिया में भी ये बात कही है कि सपा और अखिलेश यादव पे उन्होंने अपने बातचीत में निशाना साधा। निषाद पार्टी के संजय निषाद और आजम खान पे तंज कसा, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा की, आपने सपा से गठबंधन क्यों किया था। इस पर एक ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि कभी कभी आदमी जानबूझकर जहर खा लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं तो इसके आने वाले दिनों में क्या रेप्रिकेशंस होंगे, क्या नतीजे होंगे। और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के फैसले का हम सम्मान करते हैं, तलाक कबूल करते हैं। चेतावनी के लहजे में ये भी कहा कि 2024 का चुनाव आने दीजिए, जो लोग बूथ नहीं जीत सकते वे अखिलेश यादव नवरत्न है। उन्होंने कहा कि अखिलेश के साथ मैं दलितों, वंचितों और समाज में अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने आया था, लेकिन चुनाव में उन्होंने जैसा किया, जब पहले चरण का चुनाव हुआ तभी मैंने कहा कि अति पिछड़ों को टिकट दें, कश्यप, पाल, प्रजापति, नाई, गौन, कुम्हार, कुहार, लोहार, धोबी, पासी, खटीक जैसी जातियों के नेताओं को टिकट दीजिए, लेकिन हमारी बात उन्होंने नहीं मानी। उन्हें हमारी बात समझ में नहीं आती थी, और आज़ादी के 75 साल के बाद जो जातियां ठगी गईं, उन जातियों ने वोट तो दिया लेकिन उनको अपने हिस्से का हिस्सा नहीं मिला। हम उनके लिए लड़ते रहे, ये राजभर कह रहे हैं, और अखिलेश यादव को ये बुरा लगता था। ओम प्रकाश राजभर ने ये भी कहा कि अखिलेश चाहते थे कि मैं उनके सुर में सुर मिलाऊं, वो जो कहें मैं वही मानूं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर किसी के सुर में सुर मिला के बोलने के लिए पार्टी में नहीं आते हैं। वो आते हैं लोगों के लिए लड़ने के लिए, उनके लिए बोलते हैं। आज भी मैं लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ये उन्होंने कहा। 2022 के चुनाव में हमने देखा कि सपा के पास कश्यप, राजभर जैसी जातियों को देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अखिलेश यादव ने आज जो किया हम उसका स्वागत करते हैं, और हम यदि सीएम योगी से किसी समस्या के लिए मिले तो उन्हें ये गुनाह लगता है। अरे भाई, वो सूबे के
मुख्यमंत्री हैं, समस्या लेकर उनके पास जा सकते हैं। अखिलेश यादव को इसमें बुरा क्यों लगता है? उन्होंने एक बहुत बड़ी चुनौती दी कि 2024 का चुनाव आते आते आप देखिएगा कि कितनी चीजें साफ हो जाएंगी, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, और ईश्वर करे कि अखिलेश यादव कभी एसी से बाहर ना निकले। एसी नहीं रहे, एसी आराम करने के लिए होता है। दलित, कमजोर और वंचितों की लड़ाई जब जब तक आप धरातल पे आके नहीं लड़ पाएंगे, नहीं लड़ेंगे, तब तक आप किसी के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते। विधानसभा चुनाव में दलितों, अति पिछड़ों की हिस्सेदारी को लेकर के वो लड़ते रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव आगे देखेंगे और देखते ही रहेंगे, ये अक्सर वो अपने भाषणों में कहते हैं। तो उनका भविष्य क्या है ये अभी से मैं आपको नहीं बताता, ये वो राजभर कह रहे हैं। अब मैं आती हूँ असल बात पे। राष्ट्रपति चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर की क्रॉस वोटिंग से सपा नाराज है। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल और ओपी राजभर को अलग अलग पत्र जारी करके कहा कि अगर आपको कहीं ज्यादा सम्मान मिल रहा है तो आप जाइए, आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं, आप आजाद हैं। और राजभर को पत्र जारी करके उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है और आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं आप। आपको नहीं लगता कि आपको वहां ज्यादा सम्मान मिला था, वहीं जाइए। बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया। और एक और बात, अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक पल्लवी भी अखिलेश यादव से खासी नाराज बताई जा रही है। असल में पल्लवी पटेल का इन दिनों हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, वेदांता में वो है, और अखिलेश यादव उनको देखने तो क्या, उनका उन्होंने फोन करके हाल तक नहीं पूछा। और अपना दल के नेताओं का कहना है कि सपा अध्यक्ष ने जो ये एटीट्यूड अपनाया है पटेल के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उनका हाल चाल पूछा, मेदांता हॉस्पिटल प्रबंधन से भी उनके स्वास्थ्य को लेकर बातचीत की। और अखिलेश यादव पर आजम खान का दिया गया वह बयान भी इन दिनों काफी चर्चा में है। मैं आपको बता दूं, सपा के सहयोगी दल रहे ओपी राजभर ने कहा था कि एसी से बाहर निकले अखिलेश यादव तभी कुछ होगा। इस सवाल पे आजम खान ने कहा कि उन्होंने कभी अखिलेश यादव को धूप में खड़ा नहीं देखा है, जिस दिन देखेंगे उस दिन सलाह जरूर देंगे। आजम खान के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक अलग किस्म की चर्चा शुरू हो गई है। शिवपाल को विरोधी दल का नेता ना बनाए जाने का आज भी मलाल है। वह अखिलेश से नाराज थे, उन्होंने बैठकों में नहीं बुलाया उन्हें। शिवपाल ने कहा कि अखिलेश राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है, मैच्योर नहीं है, उन्हीं की वजह से सपा कमजोर हो रही है और बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अगर वो सलाह मानते अपनों की तो स्थिति कुछ और होती। और अब ये भी जान लीजिए कि भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कहा। अखिलेश यादव सिल्वर स्पून चाइल्ड है, पिछले 10 वर्षों में उन्होंने कोई धरना धूप में नहीं दिया, इसलिए समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों को पीड़ा हो रही है, और यही गति रही तो समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। और यकीन मानिए दोस्तों, जो लोग अपनों को याद नहीं रखते, जो लोग दलितों को अपने साथ नहीं रखते हैं, कमजोर लोगों की नहीं सुनते हैं, वो अक्सर इतिहास में एक छोटी सी लाइन बनकर रह जाते हैं। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा? मैं चाहूँगी कि आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन के बाद मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले मिलेगी। फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।